नमस्ते बच्चों, सुसपनास क्लासेस फॉर क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कवि बिहारी लाल के दोहा दशक इस दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। तो दोहे को जानने से पहले हम लोगों को कवि के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस कविता का कवि कौन है? कवि बिहारी लाल। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के पुस्तक में अच्छी तरह से बिहारी लाल जी के बारे में दी गई है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलते हैं दोहे की ओर। तो दोहा दशक इस दोहे में जो पहला पांच दोहे है उसमें किसके बारे में कहा गया है, वो दोहे है भक्ति परक, और शेष के जो पांच दोहे हैं वो है नीति परक। तो पहले पांच दोहे की ओर हम लोग चलते हैं, इसका जो भावार्थ है वो हम लोग समझते हैं। शेष मुकुट कति काचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी कहना चाहते हैं कि सिर पर मुकुट पहने हुए, शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में मुरली लिए हुए और गले में माला पहने हुए, मेरी बिहारी लाल या मेरी प्रभु का यह रूप बहुत सुंदर है या मेरा मन बस लेता है। कौ कौड़िक संग्रहो कौ लाख हजार, मो संपत्ति जदुबति सदा विपत्ति विदारण हार। तो क्या कहा है, कुछ लोग जो है वो करोड़ों धन जमा करते हैं और लेकिन मेरे पास वो धन नहीं है, मेरे लिए कृष्ण ही परम धन है, लाखों करोड़ों से बहुत ज्यादा है, विपत्ति में वो ही मुझे उद्धार करेंगे। तो क्या कहा है कवि ने, कभी नहीं कहा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है लेकिन मेरे पास उतना धन नहीं है, लेकिन मेरे पास कौन है, मेरे पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो मेरे सारे विपत्ति का वो विपत्ति से वो उद्धार कर लेंगे। तो तीसरे दोहे में क्या कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समूचे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल हुई। मतलब जैसे इस कृष्ण प्रेमी के मन को जो अवस्था है वो कोई समझने वाला नहीं है, जैसे जैसे इस प्रेमी का मन कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे प्रेमी का मन भी उज्जवल होता जाता है। अर्थात कृष्ण भक्ति में डूब कर कवि का मन पवित्र हो जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं चौथे दोहे की ओर। जप माला चापे तिलक सरे ना योकु कामु, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामु। मतलब कपाल में तिलक लगाकर माला चीरने का काम भक्ति नहीं है, जप माला जपने का नाम भक्ति नहीं है, ऐसे कवि ने कहा है। उसी से सिद्धि नहीं मिलता, सिर्फ जप करने से हम लोगों को सिद्धि नहीं मिलता है, वह सिर्फ दिखावत है, जप करना सिर्फ दिखावत है। जीवन निर्वाह के लिए क्या करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। पवित्र मन से क्या काम ही सच्चा राम भक्ति है, ऐसे कवि कहते हैं। अभी हम लोग चलते हैं पांचवा दोहे की ओर। कीजे चीत सोई तरे जी ही पटिटनु के साथ, मेरे गुण अगुण गननु गन्नो न गोपीनाथ। तो क्या कहा है यहाँ पे कभी, कभी कहना चाहते हैं कि हे गोपीनाथ अर्थात हे कृष्ण, जिस प्रकार आप पापियों का जो गुण अगुण को क्षमा कर उन्हें उद्धार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा भी जो गुण या अवगुण है उसे भी क्षमा करते हुए आप मेरा भी उद्धार कीजिए। तो इस पहला पांच दोहे क्या है, भक्ति परक दोहे है।
तो इस भक्ति पूर्वक दोहे से हम लोगों को पता चलता है कि भक्ति ही सच्चा राम भक्ति है, भक्ति में ही ईश्वर को प्राप्ति होती है। तो हम लोगों को भक्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ भगवान का, श्री कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। और इस भक्ति करने में, करने के लिए कोई धर्म जाति ऐसा नहीं है। तो इतना प्रथम पास्ता दोहा की बोली कैसे कवि कैसे से प्रथम पास्ता दोहा से भक्ति परक और पिछर पास्ता दोहा से नीति परक। इतना भक्ति परक दोहा कवि कब विचार से जे भक्ति बिने कोनो गति ना, আমি ভক্তি কৰিব লাগিব। আৰু কাৰ ভক্তি কৰিব লাগিব, কাক আৰাধনা কৰিব লাগিব? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক প্ৰতিটো বিপত্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাব। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে? ভগৱান কৃষ্ণক আৰাধনা কৰিব লাগে। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত কেতিয়াও সৰু বৰ উচ্চ নিচ এইবিলাক একো ভেদভাৱ নাই, সকলো সমান, জাতি ধৰ্ম পাত সকলোৰ বাবে, সকলোবোৰ আমি মানুহে বনোৱা কথাহে, ঈশ্বৰৰ ওচৰত এয়া একেবাৰে নগণ্য, এয়া একেবাৰে একো নহয়। গতিকে আমি প্ৰথম পাঁচটা দোহা নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ। আভি হম লোক চলতে হে শেষ পাঁচ দোহে কি ওর। চতক না চারতু ঘটত হু সজ্জন নেহু গম্ভীরু। তো ইহাঁ পে কবি ক্যা কহনা চাহতা হে, ইয়ে ক্যা হে, ইয়ে নীতি পরক দোহে হে। তো ইস নীতি পরক দোহে মে কবি কহনা চাহতে হে কি সজ্জন জো ব্যক্তি হে, सज्जन व्यक्ति के प्रेम की गंभीरता हमेशा बनी रहती है, जिस तरह वस्त्र में चढ़ाई गई रंग हो। समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है सातवा। न ये विशेषीय लखी नई दुर्जन दुसह सुभाय, आते पर प्रदन हरे काट लो लगी पाए। तो कभी कहते हैं कि कभी भी दुर्जन व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर पड़ने पर क्या करते हैं, वो प्राण भी हरण कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आठवें दोहे की ओर। कनक कनक ते सौ गुनी मडकटा अधिकाई, वही खाए बुराई जगु इन्हीं पाए बुराई। तो क्या कह रहे हैं, कनक मतलब यहाँ पे दो कनक दिया है, एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। आप लोगों के जो पाठ्य पुथी है, पाठ्य पुस्तक है, उसके पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा उसका जो अर्थ है। तो यहाँ पे कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो अभी क्या कहा है, कनक मतलब सोना, सोना अमूल्य धातु है। और क्या होता है, हर मनुष्य इसके लिए मन ही मन क्या करते हैं, अपने को गर्वित होता है, खासकर कौन, खासकर महिलाएं, क्योंकि यह उनकी आभूषण है। जहां कनक क्या होता है, जहां कनक धतुरा, धतुरा सोने, धतुरा खाने से क्या होता है, पागल हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, एक धतुरा खाने से पागल होता है और दूसरा सोने पाने के वजह से पागल हो जाता है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग, मीत न नीत गलिर हुए जो धरिए धन जोड़ी, खाए खर्चे जो जुड़े तो जरिए करोड़ी। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कभी कहना चाहते हैं कि दुर्दशा ग्रस्त होने पर भी संपत्ति को रखा जाए, यह नीति नहीं है। खाने और खर्च करने के बाद अगर कोई बच जाता है, वही हम लोगों को संचय करना चाहिए। उसके बाद आते हैं, ओछे बड़े न वे सके लगो सतर वे गैन, दीर्घ दो हो ही न नेक हूँ फारी निहारे नैन। तो लास्ट दोहे में कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी कहना चाहते हैं निकृष्ट जो व्यक्ति है वो कभी महान नहीं हो सकता है, चाहे वो ऊंचा होकर गगन को छू ही क्यों ना लो। उसी प्रकार आंखों के भले ही फार कर देखा जाए, परंतु वे कभी भी अपने क्या करते हैं, स्वाभाविक आकार से बड़ी नहीं हो पाती। तो हम लोगों को नीति परक दोहे से क्या समझ में आते हैं, नीति परक दोहार को भी बिहारी लाले कोई से जे धनों कारण मानो अहंकारी है,
আমি যিমানখিনি কিছুমানে নেখাই নবৈ ধন সাঁচি থয়, গতিকে সেই কামটো কৰাতকৈ আমি কি কৰা উচিত? আমি খোৱাৰ পিছত বা খৰচ কৰাৰ পিছত যিখিনি বাচে সেইখিনি আমি সাঁচিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি সঁচা উচিত। কিন্তু নাখাই নবৈ সাঁচিবলৈ কবিয়ে ইয়াত মানা কৰিছে। আৰু কি কৈছে, এনেধৰণৰ মানুহ ভগৱানৰ ওচৰতো বিমুখ হয় বুলি কৈছে। যিবিলাক মানুহ অহংকাৰী, ধনক লৈ যিবিলাক মানুহ অহংকাৰী হয় সেয়া মানুহ বিমুখ হয়। কবিয়ে এইটো উপদেশ দিব বিচাৰিছে যে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত আৰু বুদ্ধিহীন নহয়, তাৰ বাবে খোৱা পিন্ধাৰ কাৰণে যিমান দৰকাৰ আমি সিমানখিনি, তোমালোকক একমাত্ৰ কৈছোঁ, সিমানখিনিহে আমি জমা কৰিব লাগে। মানুহে নাখাই নবৈ জমা কৰাটো উচিত নহয়। আশা কৰতি হওঁ আপ লোককো ইয়ে কবি ইয়ে দোহে আচ্ছি তৰহ সমজ মে আয়ে হোঁগে। তো আপ লোককো নেক্সট ক্লাস মে ফির মিলতে হ্যাঁ। আজকে লিয়ে ইতনা হি, ধন্যবাদ।